गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई एम दीना यादव फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी बी फिफ्थ सेम. ओके, सो हम आज क्या करेंगे, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ओके, इंटरसेक्शन, रन ऑफ, ठीक, रेनफॉल क्या होता है, रेन की स्टेशन क्या होता है, हम सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे. ओके, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हो कि हम कैसे फार्मूला इसका इस्टेब्लिश किए थे. अब इस पे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है रेन गेज का, तो इसको अच्छे से आप ध्यान दे के देखिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, अ कैचमेंट हैज अ 6 रेन गेज स्टेशन इन अ ईयर. द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द गेज आर गिवन बिलो. कैचमेंट दैट मींस आपका ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये आपका कैचमेंट, यहाँ पे क्या बोला गया है, पर्टिकुलर लैंड एरिया, ठीक है, या फिर भूभाग, ठीक है, किसी एक लैंड एरिया को बोला गया है कैचमेंट. ओके, अ कैचमेंट हैज अ 6 रेन गेज स्टेशन इन अ ईयर, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द गेज आर गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे आपको स्टेशन दिया हुआ है, 6 स्टेशन है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, स्टेशन है, और उसका रेनफॉल कितना हुआ है. ठीक है, सपोज ए बी ये सब क्या है, आपका लैंड है, तो यहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ है, 82.6 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है ये पूरा, ठीक है, डाटा सेंटीमीटर पे दिया हुआ है. बी पे दिया है 102.6 सेंटीमीटर, सी पे दिया है 180.3, डी पे दिया है 110.3, ई पे है 98.8 एंड एफ पे दिया है 136.7 सेंटीमीटर रेनफॉल दिया है. ओके, देन इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर इन द एस्टिमेट ऑफ अ मेन रेनफॉल इन द एक्साइटिंग सेट ऑफ रेन गेज. आपको क्या बोला है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है. ओके, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है. आपको पहले ही मैं क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू सी वी बाई ई का होल स्क्वायर. ठीक है, आपका सी वी क्या होगा, इसको पहले देखेंगे. ठीक है, पहले यहाँ देखो, फर्स्ट में क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर, एरर क्या है आपका, स्टैंडर्ड एरर ई, दैट मीन्स आपको ई फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में. ओके, फॉर अ 10% एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द मेन रेनफॉल, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन. ठीक है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इस पे कैलकुलेट करना है, और वो भी 10% एरर पे. ओके, 10% एरर पे हमको क्या करना है, रेन गेज कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे देखो, मेन फॉर्मूला आपका क्या होता है, एन, ओके, सी वी बाय ई, ये आपका बेसिक टर्म है. आपको गेट के क्वेश्चन पे डायरेक्टली ये फॉर्मूले पे आपको क्या दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, आपका सी वी है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इन अ रेन गेज स्टेशन, जबकि आपका ई जो है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड एरर. ओके, स्टैंडर्ड एरर, ठीक. तो ये रहा आपका बेसिक जो फॉर्मूला हमको यूटिलाइज करना है वो, और इस रेन स्टेशन पे और रेनफॉल के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेनफॉल निकालेंगे. ठीक, तो फर्स्ट स्टेप पे आप निकालोगे एवरेज रेनफॉल. ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे है आपका एवरेज रेनफॉल. ठीक है, एवरेज रेनफॉल को कैसे डिनोट करते हैं, पी बार से. ठीक है, अब इस पे देखो एवरेज रेनफॉल कितना दिया हुआ है, सारे सेक्शन के लिए अलग अलग क्वेश्चन पे दिया हुआ है. ठीक है, 82.6, 102.6, 180.3, ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे पूरे एफ तक. ठीक है, तो ये देखो आप एवरेज निकालोगे पी बार, 82.6 प्लस 102.6 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस आपका है 136.7. ठीक, और अपने पास टोटल कितने स्टेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन पे, 6 स्टेशन. ठीक है,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज पी बार आ जाएगा। ओके, तो जब इसको कैलकुलेट करते हो तो आता है आपका आंसर 118.6 सेंटीमीटर, जो कि सारा डाटा हमको किस में दिया है, सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका, क्या आया, एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल। ओके, अब आप सेकेंड टर्म पे क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन। आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सेकेंड में निकालोगे आप स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एन माइनस वन से। ओके, आपको प्रोसेस याद रखना है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है आपका रूट ओवर समेशन ऑफ एम वन पी आई माइनस पी जीरो का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। ओके, ये है इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का, ठीक। तो अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन लिखेंगे सिग्मा एन माइनस वन रूट ओवर पूरा जाएगा पी आई, आपका पी आई जो सेक्शन है वो क्या होगा आपका क्वेश्चन का 82.6, ठीक है, 102.6 एंड ऐसे शो ऑन 136.7 तक हम निकालेंगे पी आई की वैल्यू, ठीक है। देखते रहो ये कैसे निकालेंगे। 82.6 माइनस आपका पी बार, मतलब आपका एवरेज रेनफॉल दिया है 118.6, 118.6 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज आप कितने पॉइंट के निकालोगे, एफ पॉइंट तक निकालोगे। ओके, देन अगेन 102.6 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, देन 180.3 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, देन फिर से आपका है 110.3 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, देन 98.8 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, एंड देन लास्ट में 136.7 माइनस 118 का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय ये पूरा जो सेक्शन है रूडोवर पे चल रहा है, ठीक है, एम माइनस वन, एम दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टेशन कितना है 6 माइनस 1। ओके, ये पूरा कैलकुलेशन रूडोवर के अंदर पे चल रहा है। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, हाँ, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो कैलसी से, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ओके, मतलब आपका स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एन माइनस वन, ये आएगा आपका 35.04 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का ये आपका वैल्यू आ गया। ओके, ये रहा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आपको क्या निकालना है थर्ड स्टेप में, सबसे पहले आप देख लो कैसे कैसे निकाले हैं। यहाँ पे आपका मेन फॉर्मूला है, हमको क्या निकालना है, सी वी की वैल्यू फाइंड करनी है, एरर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकाले हैं, एवरेज निकाले हैं, एवरेज के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकाले हैं। ओके, अब आप कैलकुलेट करोगे सी वी, मतलब थर्ड स्टेप में कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ओके, सी वी। इसका आपका कैसे होगा, इसका फॉर्मूला सी वी कैलकुलेट करने का, सिग्मा एन माइनस वन डिवाइडेड बाय पी बार इनटू आपका 100। ओके, तो यहाँ पे देखो हम सिग्मा एन की वैल्यू कितना निकाले हैं, सिग्मा एन है 35.04 माइनस 1, देन पी बार आया है आपका 118.6, ओके, इनटू क्या करेंगे 100, देन आपका सी वी का जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 29.54 परसेंटेज पे। ओके, ये रहा आपका सी वी का वैल्यू। अब आपको मेन जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेन क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ठीक है, वो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करना है सी वी की वैल्यू तक। ओके, अब आप देखते हो मेन क्वेश्चन आपको क्या पूछा है।
डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर, ओके स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, और एरर आपको पता है क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करोगे। अब आप क्या निकालोगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू सी वी बाई एन का होल स्क्वायर, ओके सॉरी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको हमको स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, रूट में चला जाएगा, जो हो जाएगा आपका सी वी बाई ई, ठीक। अब देखो यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देंगे ई को, तो ई की वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड एरर है जो कि अपना, तो ई, देन उसके बाद आपका सी वी डिवाइडेड बाय रूट ओवर एन, ओके। तो देखो ई इक्वल टू सी वी की वैल्यू कितनी आई थी, 29.54, ओके। देन उसके बाद आपका नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टेशन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर स्टेशन आपके पास है, 6, रूट ओवर 6। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड एरर जो आ गया है वो है 12.06%, ठीक है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक। और देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है आपका फॉर अ 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मेन स्टेशन कैलकुलेट नंबर ऑफ रिंगेज स्टेशन, ठीक है। रिंगेज स्टेशन तो आपको पता है कितना है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10% एरर निकालना है, ओके। तो आप क्या करोगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंगेज स्टेशन फाइंड आउट करोगे, ओके। ये देखो आप सेकंड आपका जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंगेज स्टेशन, ओके। इसके लिए आप क्या करोगे, सेम एज इट इज आप क्या करोगे, एन का फॉर्मूला लगाओगे, सी वी बाय ई का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको एरर कितना दिया है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ से एन क्या निकालोगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंगेज स्टेशन फाइंड हो जाओगे, ये है आपका ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंगेज स्टेशन, ठीक है। सी वी आप कितना निकाल चुके हो, 29.54। देन ई जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है वो, एरर है, 10% एरर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है, नंबर ऑफ ऑप्टिमम रिंगेज स्टेशन जो है 8.73 आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको क्या करते हो आप, अप्रॉक्स आप कंसीडर करोगे तो आप क्या करोगे, 9 रिंगेज कंसीडर करोगे, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको पूरा प्रोसीजर एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व हुआ है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, एक लैंड का कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे क्या हुआ है, 6 रेनगेज स्टेशन लगे हुए हैं, ओके। और ये स्टेशन ए से एफ तक कंटिन्यू है, ओके। देन इसका रेनफॉल दिया है, मतलब पर्टिकुलर ए लैंड पे 82.6 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, सेम एज इट इज बी पे 102.6 का, ऐसे कंटिन्यूसली कितना है, एफ पॉइंट तक 136.7, ठीक है, सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल दैट मीन्स आपका बारिश हुई है, ठीक है, लैंड पे। सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर। आपको पता है फॉर्मूला में ई जो है अपना स्टैंडर्ड एरर होता है, और सी वी है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, एन जो है नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना बोला है, और सेकंड में 10% एरर के साथ, ठीक है, 10% एरर के साथ हमको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, मतलब हमको क्वेश्चन में ई और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये है आपका सी वी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, जेन ई जो है ये है आपका एरर, ओके। सेम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ सारे डाटा सारे स्टेशन के पॉइंट्स लेके आपको उसका एवरेज निकालना है, जिसको बोलते हैं एवरेज रेनफॉल। देन उसके बाद निकालोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड वेरिएशन,
ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएशन में क्या करोगे, सारे क्या है आपका रेनफॉल को आपके एवरेज से माइनस करोगे, देन आपका एम माइनस वन जितने स्टेशन है उससे वन माइनस करोगे। स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 35.04 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। सी वी का फॉर्मूला ये है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस वन और एवरेज रेनफॉल इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। देन आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू। देन उसके बाद क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।